उन दिनों किताबों से नफरत सी हो गई थी, न जाने किससे मोहब्बत सी हो गई थी, और एक न एक दिन मुझे जुर्म कबूल करना पड़ा जब अपनों को मुझसे शिकायत सी हो गई थी। जिंदगी अधूरी पड़ गई थी क्या, जिंदगी अधूरी पड़ गई थी, फिर मुझे किताबों का सहारा लेना पड़ा जब मुझे जीने के लिए नौकरी की जरूरत सी हो गई थी। जाओ जो पढ़ाई जो कि बहुत जरूरी है, हम लोग लगभग 18 वर्ष 20 वर्ष पढ़ाई करते हैं बचपन से, अगर जोड़ा जाए, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, क्या मिलता है 18 वर्ष तक? कुछ नहीं मिलता, वजीफा मिलता होगा, मध्यान्ह भोजन मिलता होगा इसके अलावा, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते वही हमारी सफलता होती है। और बहुत से लोग जो नहीं कर पाते वो जाके भैंस चराते हैं, तो फिर उन्हें लगता है कि वो 18 साल उनके खराब हो गए। हालांकि शिक्षा का हर एक पल, हर एक घंटा, हर एक मिनट जब हम कुछ सीखते हैं वो खराब नहीं होता। बुक से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यदि आप किताबों को अपना गुरु मानेंगे, किताब का मार्गदर्शन लेंगे, उस किताब में हर चीज लिखी होती है। मैं कभी कोचिंग भी नहीं गया और स्वयं से पढ़ लिख कर अभी DSP बना हूं और एक सरकारी नौकरी में हूं। और सिंपल सी जल्दी से आपको मैं कहानी सुना देता हूं। मैं पन्ना जिले का रहने वाला हूं, एक गांव पड़ता है UP बॉर्डर में, देवगांव। मेरे पिताजी का नाम श्री जानकी प्रसाद है, और जैसे तो ये बहुत अच्छा सा घर दिख रहा है, पुराना राजाओं का ऐसा, ऐसे हमारे जंगल है, जंगल के किनारे हमारे घर है। मेरे पिताजी मजदूर, वो जानते हैं कारीगर मिस्त्री, मजदूर मिस्त्री होता ना, मिस्त्री थे, काम करते थे। तो उन्होंने मेरे को पढ़ाया, लेकिन उनका वो उन्हें मालूम था कि एक शिक्षा का क्या महत्व है। ये जिसके पिता जानते होंगे और जो बच्चा जानने रहेगा वो शिक्षा की ओर जाएगा, और शिक्षा किस तरह से जिंदगी बदलती है मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ। तो मैं पढ़ता रहा, मैं पहली से लेकर 8वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े हम गांव में। बचपन में पैदल जाते थे, साइकिल चलाकर जाते थे। इसके बाद एक्सीलेंस स्कूल पन्ना में पढ़ाई के जिले में टॉप किया, तो बड़ा अच्छा लगता। जब मैंने टॉप किया तो मेरे को एक ट्रॉफी मिली गोल्डन कलर की, तो पूरे गांव में सभी जगह फैल गया कि बोले सोने की ट्रॉफी मिली, सोने की सील्ड मिली इनको, पूरे गांव वाले देखने आए। तो एक हौसला अफजाई हुई, अच्छा लगा, और फिर पढ़ते रहे। 12वीं मैंने मैथ से की, जो अभी प्रवीण बता रहे थे कि ये पता नहीं होता कि हम आगे क्या करेंगे, तो सही में हमें भी नहीं पता था, बस हमें ये पता था कि सरकारी कॉलेज मिल जाए, फीस नहीं लगे तो वो हम पढ़ लेंगे। तो अब सोचा कि जी 10वीं वो 12वीं मैथ से की है तो क्या करें, BSc से अच्छा इंजीनियरिंग कर लेते हैं, फ्री में BSc भी करना सरकारी कॉलेज से, इंजीनियरिंग भी सरकारी कॉलेज मिल गया भोपाल का। हमने इंजीनियरिंग कर ली, कोई डिसाइड नहीं था तब तक हमारा लक्ष्य। अब वहां जब पहुंचे तो इस तरह से कहते हैं गुमराह कैसे होता है व्यक्ति, गांधी जी वाला समझते हो क्या बोल रहा हूँ, गांधी जी का मतलब देखो कह रही गुड़िया मनी, दोनों कागज में बहुत अंतर है, ठीक है ना। ये बहुत चिकना होता है गांधी जी वाला कागज, आदमी तरह तत्काल फिसल जाता है, और वो किताब वाला जो कागज होता है जिसमें गांधी जी के विचार लिखे होते हैं और एक में गांधी जी बने होते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। गांधी जी के विचार पढ़कर अगर आप चाहते हो तो गांधी जी फोटो वाले कई आए, अगर आप उनके विचारों पर अगर चलेंगे और अभी से गांधी जी को जेब में डालने की कोशिश करोगे तो आप आगे उतना नहीं, उतना संग्रह नहीं कर पाओगे। ऐसे ही हुआ कि हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, कोई टारगेट था नहीं, तो वहां पर एक मार्केटिंग होती है, 2-3 लोगों को जोड़ो फिर कमीशन मिलता है। तो हमें लगा कि अपने माता पिता का हाथ बटाने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता है, कुछ खर्चा भी निकालते जाएंगे, पढ़ते भी जाएंगे। तो वो लालच में पड़ गए, तो पढ़ाई पता नहीं किताबों को क्या हो गया और हम उसमें ज्यादा डूब गए, तो थोड़ा बहुत खर्चा आने लगा, तो लगा रहे हम तो इसी में करोड़पति बन जाएंगे, पैदल रोड पे चल रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तो करोड़पति बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वास्तविकताओं में जीवन अलग होता है। मैंने उस समय लिखा था कि उन दिनों किताबों से नफरत सी हो गई थी, ना जाने किससे मोहब्बत सी हो गई थी, उन दिनों किताबों से नफरत सी हो गई थी, न जाने किससे मोहब्बत सी हो गई थी, और एक न एक दिन मुझे जुर्म कबूल करना पड़ा जब अपनों को मुझसे शिकायत सी हो गई थी। जिंदगी अधूरी पड़ गई थी क्या, जिंदगी अधूरी पड़ गई थी, फिर मुझे किताबों का सहारा लेना पड़ा जब मुझे जीने के लिए नौकरी की जरूरत सी हो गई थी।
जाओ, जो बच्चे ने बोला कि आप किस लिए पढ़ रहे हो, आप टारगेट ले लो ना, अगर आपको अगर नौकरी के लिए पढ़ना तो आप उस पर केंद्रित होकर पढ़ेंगे। फिर मैंने इंजीनियरिंग तो कंप्लीट हो गई, घसीटा वाली, तीन तरह की वो पढ़ाई होती है, एक पहली तरह की पढ़ाई होती है रटंतु पढ़ाई, रटंतु मतलब जो कुछ अच्छा जम के रख लेते हैं, परीक्षा में लिखाते हैं, बड़ी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, मार्कशीट बन जाती है। दूसरी पढ़ाई होती है फसंतु। अब ये फसंतु पढ़ाई क्या होती है, वो ऐसे होते हैं वो पीछे एक दो बैठोगे, वो युगबोध परीक्षा ले लेते हैं, परीक्षा के समय 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यही फंसेंगे, इन्हीं को पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, फेल भी हो जाते हैं पास हो जाते हैं। और तीसरी होती है हसंतु पढ़ाई, वो ऐसी होती है जो आप गहन अध्ययन करते हैं और गहन अध्ययन के बाद जब आपका जीवन परिपक्व होता है तो आपकी कामयाबी को देखकर आपके घर वाले भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और आपके दोस्त भी बोलते हैं पढ़ना है तो यार इसके जैसे पढ़ाई करो। तो हमने ये वाली नहीं पढ़ी थी इंजीनियरिंग, हमने फसंतु वाली की थी, सब हमारी डिग्री हो गई थी। अब बाद में जब हमें लगा कि हम नौकरी की जरूरत है तो फिर वो बिजनेस जो हम कर रहे थे उसको छोड़ा और फिर पढ़ाई की, फिर वापस किताबों के पास आए। और मैं जो ने बताया था मैंने शुरू में कि किताब कभी गुमराह नहीं करती, फिर हमने किताब के अलावा किसी का सहारा नहीं लिया। और आज के समय में मोबाइल तो सभी लोग यूज करते होंगे, करते कि नहीं करते, कितने लोग ही मोबाइल चला लेते, हाथ उठाना, वो मत उठाना जो इंस्टाग्राम में रील बनाने के लिए चलाते हैं, इसके अलावा तो मतलब सब इंस्टाग्राम में रील बनाते हो ना, मोबाइल चला लेते हो ना, उसमें हर एक नॉलेज है। आप देखोगे मैं मोबाइल में डेली MPPSC की वेबसाइट विजिट करता था, जब मैंने तैयारी करना शुरू कर दी, जब मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे लाल बत्ती वाली नौकरी चाहिए, मेरा फेसबुक में फोटो देखोगे लगभग 5-6 इंच की दाढ़ी हो गई थी, मैंने कसम खा रखी थी कि जब तक मुझे लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा और सिर्फ पढ़ूंगा पढ़ूंगा और सिर्फ पढ़ूंगा। ये जब आप संकल्प लेते हैं और आप तैयारी करते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। और वो आपने शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा ना, जब आप बड़ी शिद्दत से किसी को चाहने लगते हैं तो सारी कायनात मिलाने में लग जाती है। आप जब अपने लक्ष्य को केंद्रित होकर मेहनत करते हैं तो सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में बन जाती है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वही हुआ कि मैंने पढ़ाई की, सिर्फ 15 महीने की पढ़ाई के बाद मेरा सीधे सिलेक्शन हुआ था DSP में और आज ठीक ठाक है, बढ़िया अच्छी वेतन मिल जाती है और बताऊंगा नहीं कितने रुपए मिलती है।